परमानन्दं विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान के सेकंड चैप्टर का प्रवचन 53 श्लोक में समापन। देखा जाए तो सेकंड चैप्टर यहां से बंद हो जाना चाहिए था, मगर अर्जुन ने एक प्रश्न रख लिया। एक ही प्रश्न है, एक प्रश्न के लिए 18 श्लोक देना पड़ा भगवान। एंड प्रश्न क्या है पढ़ेंगे तो जानेंगे। कोई इसको 4 में रखते हैं, कोई 5 में रखते हैं, कि एक ही श्लोक में 4 प्रश्न हो या 5 प्रश्न हो। पहले श्लोक देखते हैं। अर्जुन वाच 54 स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित किं प्रभासेत किमासेत ब्रजेत किम्। ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। 4 प्रश्न पहले देखो, फिर उसी को ही थोड़ा तोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। 4 ये है। एक केशव समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य, एक ही है। जो स्थित प्रज्ञ, एक नाम दिया भगवान ने, नाम नहीं दिया भगवान ने, योगमेव वाप्स्यसि, ये शब्द अर्जुन को लगा कि ये शब्द अच्छा है, उनके लिए उन्होंने दिया। उस अवस्था को स्थित प्रज्ञा कहा, और जो उस अवस्था में प्राप्त कर लिया है स्थित प्रज्ञा कहा। स्थित प्रज्ञा अच्छा शब्द, अच्छा नाम, माने ब्यूटीफुल शब्द अर्जुन ने कॉइन किया। स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञा वो कौन है? समाधिस्तस्य, समाधि में रहते समय का भाषा, उनकी क्या भाषा होती, ये एक प्रश्न है। ये जो पहला चरण है समाधि के, समाधि में रहते समय समाधि अवस्था बोलते, उनका लक्षण क्या है? फिर एक शब्द है व्युत्थान अवस्था। व्युत्थान माने उठने, जैसे अभी आप प्रवचन में बैठे हो तो क्लास की अवस्था है, फिर उसके बाद उठने की अवस्था है। तो समाधि में रहते समय लक्षण क्या है, और उठने की अवस्था में 3 प्रश्न। स्थितधि, अगेन शब्द चेंज किया उन्होंने, स्थित प्रज्ञा, वहां प्रज्ञा स्थित हो गई है, यहां उनकी धी स्थित हुई है, मगर व्यवहार कर रहे हैं, मन में व्यवहार कर रहे हैं। स्थितधि किम प्रभाषेत, कैसे बोलचाल करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। फिर किमासीत, वो कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, उनके बैठने के जो स्थिति क्या है। ब्रजेत, चलने की स्थिति क्या है। 4 क्वेश्चन हुआ। इसको अगर लिटरली देखा जाए, शब्द जिस पूछने के जो शैली है, अगर एक अननोन व्यक्ति जो शास्त्र के बारे में नहीं जानता, अब अनविज्ञ अशास्त्रीय, वो कैसे पूछेगा कि उनकी क्या भाषा है, कौन सी लैंग्वेज हो जाता है, वो अर्थ है। कोई इंग्लिश में बोलते हैं, ये संस्कृत में बोलते हैं, कैसा लैंग्वेज होता है, भाषा लैंग्वेज, ये अर्थ। सेकंड है स्थितधि किम प्रभास है, तो वो किस ढंग से बोलते हैं, स्लो मोशन में बोलते हैं कि स्पीड मोशन में बोलते हैं। कभी कभी आप व्हाट्सएप में देखोगे, व्हाट्सएप का कुछ आया है, उसमें 3 डॉट होता है, 1 फिर 1.5 2। अगर गलती से आपका 2 होता है तो बहुत स्पीड होता है, टट 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 टट, है ना। तो कभी कभी कोई बोलता है स्वामी जी आपका प्रवचन टट 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 चल रहा है, हम बोलते हैं अम्मा वो जो 3 डॉट है ना उसमें 2 आया होगा, उसमें 1 कीजिए, कहां पर करो, देखो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो, फिर दबाओ, उसको दबाने से
वन पॉइंट, फिर टू पॉइंट, फिर वन, आपका वन पॉइंट था, हाँ अब वन में लाओ, यस अब देखो स्लो आएगा, है ना। तो देखो मोबाइल में, हाँ हाँ अरे समझ में नहीं आया। अच्छा ये जो व्हाट्सएप में कभी कभी आप देखोगे वॉइस या प्रवचन का वो स्पीड स्पीड चलता, तो आप लोग ये क्या ऐसे क्या प्रवचन स्पीड दिया, नहीं उसमें तीन है मापदंड। वन में वन लिखा होगा वो नॉर्मल है, 1.5 में थोड़ा सा स्पीड है, 2 पॉइंट में जो 2 लिखा होगा और स्पीड है। तो कभी गलती से आपका हाथ लग गया है, आप बच जाता है, जैसे कभी कभी ग्रुप में होता है कोई बोलता है आपने वॉइस मैसेज दिया है और कुछ सुनाई नहीं दिया है, ठीक है अब तो उसमें क्या है वो भी चुप हो जाता है, क्यों उसके हाथ से गलती से चला गया, वो आंसर भी नहीं देते हैं, कल की बात है। तो इससे क्या है गलती से चला जाता, तो गलती से हाथ लग जाता है, तो जब गलती से हाथ लग जाता है तो वो स्पीड होता है, ठीक। तो ऐसे उसकी क्या भाषा होती है, जब वो ज्ञानी हो गया तो उसकी भाषा बहुत स्पीड हो जाती है, एक्टिव हो जाता है ये, या तो स्लो हो जाता है, हाँ मैं हमेशा ब्रह्म में रहता हूं, ऐसे हो जाता है, कैसे होता है ये जानना चाहते हैं। तो कोई कोई अर्थ ये लिटरली अनभिज्ञ व्यक्ति यही सोचता है कि अर्जुन ने ऐसे ही पूछा, किम प्रभाषेत, पहले भाषा था लैंग्वेज, अभी है किस ढंग से बोलता है, वहां लैंग्वेज के ऊपर प्राधान्य है, यहाँ बोलने की जो शैली है मोशन है स्लो मोशन, हाँ फिल्म में भी देखते हैं ना धीरे धीरे जो देवता लोग है, जो परी है, जो अप्सरा है, वो बड़े स्लो मोशन में चलते हैं। महाभारत में गंगा है, जब गंगा निकलती है वो धीरे धीरे चलते हैं, और युधिष्ठिर को माँ प्रणाम पुत्र हमेशा ही मुझे क्यों याद कर लेते हो, प्रतिज्ञा करते समय तो मुझे याद नहीं किया, तुमको ही झेलना है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के फल है, तुमको झेलना है। फिर कहा कि ठीक है माते अब मैं आपको दिक्कत नहीं दूंगा, अब तब तक वो नहीं आए रेल, लास्ट में सरसैया में फिर याद किया अर्जुन प्यास लग रही है तो फिर बाण लगाया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, स्लो मोशन होता है क्या उसका जीवन में, स्पीड मोशन होता है क्या, क्या होता है वो कैसे व्यवहार करता है, सेकंड है कि मां से तो कहां कैसे बैठता है, पद्मासन में बैठता है नहीं बहुत बढ़िया सिंहासन में बैठता है, और कहते राजाधिराज है वो कैसे बैठता है, साधारण अर्थ में ब्रजेद के कैसे चलता है, जब वो चलता है उसके पीछे है, बहुत लोग शिष्य आगे आ रहे हैं, राजाधिराज 1008 ऐसे स्वामी जी गड़बड़ानंद आ रहे हैं, ऐसे कैसे इस दृष्टि से भी प्रश्न पूछा जाता है, वैसे नहीं है क्योंकि अर्जुन ने सुना है, अर्जुन ने देखा भी है बचपन से, जिसके घर में कोई साधु संत देखा है तो उनके प्रति एक सही संस्कार रहेगा, उसने देखा है संत क्या है, वेद व्यास जी को देखा है और भी बड़े बड़े संतों को देखा है, जंगल में तो अनेक मार्कंडेय से लेकर के अनेक संत लोग खुद आए, कल मैंने बता रहा था धर्मराज युधिष्ठिर एक महान संत है, उनको दर्शन करने के लिए आते थे, जैसे भगवान राम को रामायण में भगवान राम को दर्शन करने के लिए संत आते थे, ऐसे युधिष्ठिर को दर्शन करने के लिए, और युधिष्ठिर प्रणाम करके उनको सम्मान देते थे, सत्संग क्या करते थे। तो अर्जुन के मन में संस्कार है कि संतों के बारे में ऐसे ऊट पटांग जो हम लोगों ने अभी विचार किया इस ढंग से नहीं अर्थ है, फिर क्या अर्थ है, ठीक है। तो चार प्रश्न, कोई 5 प्रश्न कैसे करता है, देखो यहां पर स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, अर्थात जो व्यवहार जब करता है उसका जनरल लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, जीवन मुक्तस्य लक्षणम, शंकराचार्य जीवन मुक्तानंद लहरी लिखा है, तो जीवन मुक्त के लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ लक्षण क्या है, 1, 2 क्या है, समाधिस्थस्य केशव,
समाधि में रहते हैं तो उनकी क्या भाषा होती, समाधि में रहते हैं तो उनका लक्षण, भाषा यहां पर लक्षण है, भाष्यते इति भाषा, अर्थात लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। भाषा माने क्या पता है, ऐसे देखा जाए भाषा का अर्थ है एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट इज भाषा, भाषा तो भाववाहिका, ये एक सूत्र है याद रखिए, भाषा भाव का वाहिका है, वाहिका माने व्हीकल, तो लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ योर थॉट। व्हीकल का क्या काम है ना, हमको बैठा करके लेके जाता है, तभी हम व्हीकल का यूज करते हैं। भाषा का भी क्या काम है ना, विचार को बैठा के लेके जाती है, विचार के एक्सप्रेशन है, इसको भाषा कहते हैं। अर्थात विचार जब एक्सप्रेशन होता है वो है भाषा, उसकी जो स्थिति है, जो स्थित प्रज्ञ स्थिति है, जो निर्वाण स्थिति है, उसकी जो एक्सप्रेशन होता है वो भाषा है, लक्षण है। पांच प्रश्न हो गया, अर्थात तोड़ दोगे इसको, स्थित प्रज्ञस्य एक और समाधिस्तस्य एक, दो हो गए तो पांच। तो अर्जुन के असली में स्थित प्रज्ञ के बारे में जानना चाहते हैं पांच प्रश्न में, एक है उनका लक्षण क्या है, दूसरा है जब वो समाधि में बैठते हैं उस समय क्या होता है, तीसरा है समाधि से उठ जाने के बाद तीन प्रकार के लक्षण होते हैं, अर्थात किम प्रभा से तो व्यवहार कैसे करते हैं, इसमें व्यवहार कैसे करें, किमा शीत आसीदन उनके इंद्रिया कैसे कंट्रोल में रहता है, आसीद माने बैठना, जब जब बैठ जाते हैं तो देखना शरीर हलचल नहीं होता, फिर चलते नहीं, तो आसीद माने बैठना माने इंद्रिया जब बैठ जाती है, इंद्रिया जब कंट्रोल हो जाता है, सेंस मैनेजमेंट, सेंस कंट्रोल होता है, उस समय क्या स्थिति हम जानना चाहते हैं। और ब्रजेत के जब व्यवहार में वो खाते तो है, पीते भी है, व्यवहार भी करते हैं, वो कैसे होता है वो हम जानना चाहते हैं। तो अर्जुन का जो प्रश्न है भगवान उत्तर देते हैं, इसको पूज्य गुरुदेव ने कहा, ऐसे तो प्रसिद्ध है इसको स्थित प्रज्ञा का लक्षण, स्थित प्रज्ञा लक्षण ये टॉपिक माना गया। 18 जो श्लोक है अर्जुन के प्रश्न के बाद जो श्लोक अभी आएगा, स्थित प्रज्ञा का लक्षण माना गया, गुरुदेव ने उसको गॉड वाइज एंड वर्ल्ड वाइज कहा। तो जो वाइज के जो लक्षण है, गॉड वाइज होते हैं और कुछ वर्ल्ड वाइज भी होते हैं, वर्ल्ड वाइज के बारे में वर्णन है वो कामात क्रोध अभिजायते, दो श्लोक है, अर्थात संसार में जब मन रहता है तो वर्ल्ड वाइज, मन जब भगवान में रहता है तो गॉड वाइज, उसके बारे में भी वर्णन है। तो तीन गॉड वाइज, वर्ल्ड वाइज, फिर और एक गुरुदेव कहते हैं इन दोनों में अगर नहीं है तो अदरवाइज, ये लक्षण है। तो गॉड वाइज के बारे में, गॉड वर्ल्ड वाइज के बारे में और अदरवाइज के बारे में भी वर्णन है इन 18 श्लोक में। भगवान उत्तर देते हैं, तो भगवान जो अभी उत्तर देते हैं उसमें पहला ही जो प्रश्न है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसमें शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं क्या, मैंने एक प्रसिद्ध सूत्र बताया था, मैं शुरू कर देता हूं आपको बोलना है, यानी यानी यहां तक है तेरा, बोल यानी यानी, इनको पता है तो क्या वो आएगा इसलिए वो देख कर कह रहे, यानी यानी जोर से बोलो, हुआ नहीं ठीक से, यानी यानी वो बाकी ठीक से नहीं हो पाया, अभी ठीक से लिखो, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि, वो शब्द नहीं लिखा था, तानि तानि मैंने वही वही, तानि तानि साधकस्य साधनानि, क्या अर्थ हुआ, ओरिजिनल ऐसे नहीं है, ये हमने बना के बताया, ओरिजिनल क्या है हम बताएंगे आपको, जो शंकराचार्य ने पूरा वाक्य दिया है वो बताएंगे।
ये सिंपल करने के लिए हमने बताया, यानी माने मैंने जो जो, यानी माने जो 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 सिद्ध का लक्षण है, अर्थात सिद्ध क्या है, उनके अंदर कोई राग नहीं है, अभी आएगा ये सब, जो जो लक्षण है वही वही हमारे लिए, हम लोग साधक है, हमारे लिए क्या है, साधना है। जैसे उनके अंदर कोई राग नहीं है, ये लक्षण हो गया, हमारे लिए साधना होनी चाहिए, हमें व्यवहार में राग नहीं रखना है। उसको शंकराचार्य ने भाष्य में लंबा दिया है, वो समझ में नहीं आएगा, फिर भी बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं क्या। सर्वत्र एव ही, सर्वत्र एव मैंने सब जगह पर यही देखा गया है, सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे, अध्यात्म शास्त्रे सब जगह पर यही देखा गया। अध्यात्म शास्त्र माने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, महाभारत, जितने भी अध्यात्म शास्त्र में, शंकराचार्य बोल रहे हैं अध्यात्म शास्त्र, कृतार्थ लक्षणानि, देखा मैंने क्या क्या था शब्द में, साधकस्य सिद्धस्य लक्षणानि, उसमें टॉपिक था ये, उन्होंने शब्द दिया कृतार्थ। कृतार्थ माने क्या है, कृतार्थ माने क्या है, हाँ जो डन कर लिया, कृत माने डन, कृता अर्थ जिनका जो प्रयोजन है वो डन हो गया, कृतार्थ जीवन कृतार्थ हो गया, है ना, कहते हैं ठीक है ये काम हो जाएगा ना, फिर डंडन आए थे, ऐसे ढूंढना मत डंडन आया था, वो मिलेगा नहीं। कृतार्थ माने जिन्होंने अपने जीवन में किया है, जो करना था वो कर लिया। ऐसे एक शब्द 15 अध्याय में है, कोई बता सकता है, 15 अध्याय में ऐसे ही शब्द है, किरण, कृतकृत्यश्च भारत, अर्थात जो करना है वो उन्होंने कर लिया, कृतकृत्य अर्थात जो करना है, कृत्य जो करना है, कृत डन, तो जो करना है जीवन में वो कर लिया, कृतकृत्यश्च भारत, उसको ही कहते हैं कृतार्थ। कृतार्थ लक्षणानि अर्थात सिद्धस्य लक्षणानि, कृतार्थ लक्षणानि यानी यानी एव साधनानि, देखा वो ही हमारे लिए साधनानि, उपदिश्यन्ते उपदेश दिया गया है, जो जो उनके कृतार्थ लक्षणानि यानी तानि एव साधनानि, वही तानि माने वही, यानी माने जो जो उनके लिए लक्षण है वही है, फर्क नहीं पड़ेगा, उनके अंदर राग नहीं है ये लक्षण होगा, वही राग नहीं रखना है हमारे लिए साधना है, कोई फर्क, शब्द अलग अलग नहीं है, सही में वही इतना शब्द है, यानी तानी शब्द, यानी तानी उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्, वही किया गया है और कैसे होगा, यत्न करने पर मिल जाएगा उसका, शब्द देखना ध्यान है, यत्न साध्यत्वात्, उनके अंदर सहज है क्योंकि उन्होंने यत्न कर लिया, अब जो साधक है हम आप, यत्न करने पर साध्यत्व मिल जाएगा, यानी यत्न साधनानि साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि, वही वही यानी यत्न साध्यानि अर्थात जो यत्न करके साध्य है वो जो कृतार्थ लक्षण के लिए वो साधना करने पर वही साधनानि लक्षणानि साधनानि भवन्ति, लक्षण ही साधना बन जाते हैं, ठीक है, वो ही सिद्ध पुरुष के स्वाभाविक लक्षण होते हैं और हमारे लिए क्या है, साधना है। अभी जो 18 श्लोक में बताने वाले हैं कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण है और हमारे लिए साधना है, अर्जुन के माध्यम से जो प्रश्न है, अच्छी बात है, तो हमारे साधना के समय हम कैसे रहना चाहिए, ये पढ़ते हैं। तो अभी 55 से लेकर के देखा जाए तो कैसे बता रहा हूं आपको, फिफ्टी सिक्स में
स्थिर बुद्धि होने का उपाय बताया है और उनके अंदर वो भावना है। और 57 में आसक्ति भय और क्रोध के दूर कैसे किया गया है वो बताया है हम लोगों के लिए साधना के दृष्टि से। और 58 में शुभम अशुभ से ऐसे ऊपर उठ जाना है ये सब बताया है। ये देखा जाए सब एक लेकिन लक्षण है। दो दो श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाते यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्त्वदुच्यते। और एक श्लोक पढ़ते हैं। दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखे सुविगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जब मनोगतान कामान मन के अंदर जो काम है मनोगतान मनोगतान मन में ही होते हैं गतान होते हैं पैदा होते हैं मनोगत भावगत संसारगत ऐसे। तो मन में जो उत्पन्न कामना क्या होते हैं मनोगतान कामान जब त्याग कर देता है प्रजा हाथी त्याग कर लेता है अर्जुन जो स्थित प्रज्ञा का लक्षण तुमने पूछा है ये डायरेक्ट उत्तर है उसमें। उनके अंदर कोई कामना नहीं रहती ठीक मन के अंदर जो कामना है वो बिल्कुल नहीं रहती है सब नष्ट हो जाता है। आत्मनि एवं आत्मना तुष्टः। तो अगर कामना नहीं रहती है तो फिर वो खुश कैसे होते हैं क्योंकि तो कामना पूर्ति होती तभी तो सुख मिलता है। कोई इच्छा किया उस इच्छा पूर्ति हो जाती है तो सुख मिलता है यदि नहीं वो आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट होते हैं। ये लक्षण है स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है आत्म संतुष्ट आत्मरति आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदोच्यते उन्हीं को ही स्थित प्रज्ञा कहते हैं। ये जो मन के अंदर ना पांच वृत्तियां होती है सात्विक वृत्ति एक राजसिक वृत्ति तीन और तामसिक वृत्ति एक। तामसिक वृत्ति को कहते हैं मूढ़ अवस्था। वृत्ति के ये चित्त की पांच अवस्था कहां लिखा हुआ है योग सूत्र में पतंजलि ने लिखा। तामसिक जो वृत्ति है वो है क्षिप्त अवस्था है मूढ़ अवस्था सॉरी। फिर उसके बाद जो राजसिक अवस्था क्षिप्त अवस्था क्षिप्त माने एजिटेशन क्षिप्त अवस्था। तीसरा क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था विक्षिप्त मन का जो चंचलता है। चौथा है एकाग्र अवस्था और पांचवा है निरुद्ध अवस्था। तो ये सात्विक का दो है राजसिक का भी दो है और तामसिक का एक है। तामसिक का एक है मूढ़ अवस्था फिर क्षिप्त और विक्षिप्त राजसिक है और एकाग्र कंसंट्रेशन प्रयत्न करने पर ही एकाग्र होता है एकाग्र माने कंसंट्रेशन और निरुद्ध अवस्था है। ये ही मन है ये मन के पांच अवस्था मूढ़ अवस्था क्षिप्त अवस्था विक्षिप्त अवस्था एकाग्र अवस्था निरुद्ध अवस्था। उनके अंदर ये पांच अवस्था कुछ भी नहीं देती वो उससे परे हो जाते। मन क्या है बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं कामः संकल्पः
विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति ही, अधृति ही, क्री, भी ही, एतत सर्वम मन एव। इसी को ही मन जानो। मन क्या है? ये जिसमें काम होता है, जिसमें संकल्प होता है, विचिकित्सा माने डाउट होता है, कर्म करने के जो विचिकित्सा संशय है, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति, धृति माने फॉर्टिट्यूड, अधृति जिसमें नहीं है फॉर्टिट्यूड, क्री, क्री माने लज्जा, भी, भी माने भय होना, धृति अधृति, धी, धी माने बुद्धि, भी भय होना, एतत और भी सर्वमेव मना। ऐसे में वो एफेक्ट नहीं होते, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तुरंत एक प्रश्न होगा, अर्जुन पूछेंगे भगवान फिर वो संसार में व्यवहार कैसे करते हैं जब मन ही मर गया है। तो कहते देखो, एक मन होता है प्रॉब्लमेटिक माइंड और एक होता है टेक्निकल माइंड। प्रॉब्लमेटिक माइंड उनके अंदर नहीं है, टेक्निकल माइंड है, व्यवहार करते हैं, और टेक्निकल माइंड में कुछ लगता ही नहीं है। पद्मपत्र में बम बसा, प्रॉब्लमेटिक माइंड में लग जाता है। प्रॉब्लमेटिक माइंड क्या है? इमेजिनरी। लोगों का बड़ा बड़ा अलग अलग इमेजिनरी रहेगा, आप क्या कर सकते हो? आपको लेकर के अरे वो आकर के मुझे बात करना चाहिए था, तो वो उसको जिसके बारे में सोच रहे हो उसको पता ही नहीं कि मुझे ऐसे करना है, और उसने सोच लिया, प्रॉब्लमेटिक, अपने अंदर इमेजिनरी। और जो मनुष्य प्रॉब्लमेटिक में रहेगा, इमेजिनरी में रहेगा, उसको तो कोई खुशी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जहां जाएगा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि कॉमन हो गया, वो दूसरे के लिए भी कर लेगा। वो ऑफिस जाएगा तो भी कर लेगा, पत्नी के साथ वो भी कर लेगा, बच्चे के साथ वो भी कर लेगा, व्यवहार कर लेगा, फिर जब पॉलिटिक्स देखेगा उसमें भी कर लेगा, राग द्वेष शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका मन ही ऐसा है। उसको बोलते प्रॉब्लमेटिक। उनका बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक माइंड है ही नहीं है, फिर कैसे वो व्यवहार करते हैं? टेक्निकल माइंड है, टेक्निकल माइंड है, उसमें राग द्वेष नहीं है। वो रहते हैं पद्म पत्र में बम बसा, जैसे पद्म के पत्र जैसा है, पानी लगता है, पानी होता है और लगता ही नहीं। या तो वो क्या करते हैं साधना के स्तर पर, कटहल को निकालने के लिए हाथ में क्या लगाना पड़ता है? वो तेल लगा लेते हैं। तेल क्या है? वैराग्य है। तेल क्या है? भक्ति है। तेल क्या है? भगवान के प्रति रति है। बस वो लगाने पर वो लगता ही नहीं है संसार पे। आगे क्या कहते हैं देखिए इसको। अब यहां कहां कहा स्थित प्रज्ञा का लक्षण तुमने जो अर्जुन ने पूछा वो मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया। ठीक, 56 में कहते हैं ज्यादातर व्यवहार में वो जो किम प्रभा से तो उत्तर है, किम प्रभा से तथा ना, सिद्ध प्रज्ञा कैसे बर्ताव करता है, सेकंड वाला कैसे व्यवहार करता है, तो उसको उत्तर देते हैं। देखो, एक होता है सुख और एक होता है दुख, ये द्वंद्व है। सुख जब आता है ये मन के अंदर ही होता है, अनुभव होता है, तो सुख जब होता है वो अच्छा लगता है उसको। दुख जब होता है उसका मन उद्विग्न हो जाता है, उद्विग्न मन एजिटेशन होता है, साधारणतः व्यवहार में वो उनका नहीं है। किम प्रभासेत, संसार में जो व्यवहार करते हैं तो किस ढंग से व्यवहार करते हैं, उसका उत्तर देते हैं कि सुख दुख के समय राग द्वेष के कारण ही सुख दुख होता है। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। रागानुसायी जो माने सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष, ये व्यवहार में होता है। सुख जब होता है खुश हो जाता है मनुष्य, दौड़ता है, नाचता है,
और दुख जब होता है मन उसको दुखी हो जाता है ना। जैसे कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे वो जो आतंकी लोग हैं, माफिया लोग हैं, जब उनको लगा कि गवर्नमेंट हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट को हमने पैसा देकर गया, तो कोई भी बहुत तेज उनके बातें, उनके अहंकार सब निकलता है। अब जब कोई दूसरा गवर्नमेंट आकर के उनको दबोच लेता है, फिर वो जेल में रोने लगते हैं। दुख जब होता है तो अनुद्विग्न होता है, नींद नहीं आती है। आप जितना भी अभी देखना 20-25 साल में ऐसे ऐसे कुछ है, बोले रात में नींद नहीं आई, इधर जाते हैं उधर जाते हैं उधर जाते हैं, सोते नहीं है, है ना, सब आता है। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार में उनके आदि हो गई 20-25 साल से। सुख जब होता है नाचना, दुख जब होता है कम होना, उद्विग्न होना। स्थित प्रज्ञ का लक्षण बिल्कुल नहीं, देखना, दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा। दुख जब होता है उनका मन उद्विग्न नहीं होता है, अनुद्विग्न माने उद्विग्न नहीं होता है, अनुद्विग्न माने एजिटेशन नहीं होता है। सुखेशु विगत स्पृह, सुख में स्पृहा है, स्पृह सुख में क्या होता है और इच्छा, स्पृहा क्या है भोग प्राप्त करने की और इच्छा को कहते हैं स्पृहा। मुझे इतना मिल गया और मैं चाहता हूं, उनके अंदर कुछ नहीं। बीत राग भय क्रोध, तो उनके अंदर राग नहीं है। राग माने अटैचमेंट, आसक्ति का नाम है राग। भय अर्थात कोई आशंका, कोई विपत्ति मन में, कोई व्यवहार में विपत्ति आए, उस मन में एक आशंका वृत्ति को भय कहते हैं। क्रोध काम जो फलीभूत नहीं होता है, क्रोध होता है। तो ये जो तीन वृत्ति है, राग भय और क्रोध, ये नहीं होता है। राग कहाँ होता है? जहां आसक्ति है, भोग अभिलाष काम, और वो जो उसमें भोग जो काम है उसको अटैचमेंट, उसको आसक्ति, उसको पकड़ करके रखना, उसको कहते हैं राग। उनके अंदर वो नहीं है, भय भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, ये चीजें बिल्कुल नहीं है। भय उद्वेग कुछ भी नहीं है, इससे वो परे हो जाते हैं। दुखेशो अनद्विग्न मनाः, सुखेशो विगत स्पृहः, बीत राग भय क्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। उसी को ही स्थितधि कहते हैं, अर्थात व्यवहार में जब वो आते करते हैं व्यवहार, प्रॉब्लमेटिक माइंड है ही नहीं है, ओनली टेक्निकल माइंड से बात करते हैं। ये सुख दुख में स्पृहा और उद्विग्न प्रॉब्लमेटिक माइंड को होता है, टेक्निकल माइंड को होता ही नहीं है। सबको होगा करके माने नहीं है। अब देखो ना, कोई घटना घटती है, सपोज न्यूज में हम सुनते हैं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, घर में मैंने या तो कहीं सत्संग में, या तो रेलवे स्टेशन में, या तो फ्लाइट में, कहीं न्यूज सुनते हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं करते, तो बंद कर देने से अच्छा है, क्यों आवाज करते, हम थोड़ा सा नींद जाएंगे, नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ेंगे, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ेंगे, चाहते ही नहीं है। कुछ लोग आवाज आती है उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ लोग क्या क्या है सुन ले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानना, कुछ कहते क्या हो गया वो ट्रेन में से हो गया, हाँ अरे देखो तो हमारे जो भतीजा हो गया था वो, उसका क्या हो गया, बस सुन ले के सचमुच ऐसे हो गया, बस रोने लगते हैं, है ना। तो अर्थात कोई एक न्यूज एक को प्रभाव पड़ता है, एक को प्रभाव नहीं पड़ता है, एक को सुनना भी नहीं चाहते, अलग अलग स्तर के। किसको प्रभाव पड़ता है ना, जिसने सोच लिया कि ये मेरा, मैं और मोर तोरते माया, जिसने सोचा कि मेरा कोई रिलेटिव है, जिसने सोचा कि मेरा नहीं है और मुझे ध्यान नहीं रखना, होता ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि प्रॉब्लमेटिक जहां माइंड है, जहां मेरा तेरा होता है,
वहां दुख होगा, उनके अंदर कोई अपना पराया मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो दुख नहीं होता है। अब वित्थान अवस्था के लक्षण और आगे बढ़ रहे हैं, जो क्या था हिम प्रभा क्षेत्र के उत्तर दे रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगर चार क्वेश्चन देखोगे या तो पांच क्वेश्चन देखोगे तो समाधि अवस्था में क्या लक्षण बता दिया नंबर वन में स्थित प्रज्ञा का लक्षण, फिर जो नंबर तीन जो नीचे है किम प्रभाषेत, फिर किमासीत, किम ब्रजेत, किम, अभी सेकंड नंबर ही चल गया चार में से। कैसे उनके व्यवहार होता है, तो व्यवहार कैसे होता है 57 में बता रहे, यह सर्वत्र नवे स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदते न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संसार में हमने कल भी बताया था वस्तु के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, वस्तु के साथ एक्शन करते हैं और व्यक्ति के साथ हम क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं। तो यहाँ कहते हैं देखो वस्तु के साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, स्नेह माने अटैचमेंट, स्नेह, स्नेह का अर्थ है अटैचमेंट, वस्तु के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है क्योंकि राग नहीं है, तो सर्वत्र सब विषयों में, सर्वत्र माने सब विषयों में, सब में इस कोई भी अपने पास भी रहे या दूर भी रहे, अपने साथ भी रहे या दूर भी रहे, अपना घर भी हो कि दूसरे के घर है, उनके अंदर कोई स्नेह अटैचमेंट नहीं है, वो जानते हैं ये मेरे लिए आया है ठीक है। जैसे प्रहलाद है, प्रहलाद बड़ा स्तुति करते हैं प्रभु आप बलि के लिए, उनका पुता है, आपने ही दिया था स्वर्ग, आपने ही दिया था राज्य और आपने ले लिया, हाँ आपका देना भी सुंदरम और आपका लेना भी सुंदरम, इतना सुंदर है, जो आया है ठीक है, गया है ठीक है, तो कोई स्नेह नहीं है। यह सर्वत्र अनभि स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, अर्थात शुभ और अशुभ विषय प्राप्त करके आनंदित नहीं होते, शुभ और अशुभ जब पुण्य कर्म है शुभ, पाप कर्म है अशुभ, उसमें दुखी और आनंद ये नहीं होते। शुभ कर्म मिलने से आनंद होना और अशुभ कर्म मिलने से द्वेष होना, दुख होना, वो भी नहीं होता है। न अभिनंदति न द्वेष्टि, दोनों ही बताया, अभिनंदति मैंने खुश होना, खुश कब होता है मनुष्य जब जो पसंद करते हैं, व्हाट यू लाइक दैट यू गेट, वो मिल गया खुश, व्हाट यू लाइक दैट यू डोंट गेट, वो दुख उनके अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों, जो मेन है ना, बार बार मैं बोल रहा हूं, वो प्रॉब्लमेटिक इमेजिनरी माइंड उनका चला गया, मर गया, अभी जो व्यवहार कर रहे हैं सिर्फ एक टेक्निकल माइंड को लेकर को व्यवहार कर रहे हैं। जब कोई नौकर नौकरी करता है ना, वही नौकर ही परफेक्ट होगा, उसका जब कोई अहंकार नहीं है, मुझे मालिक जो बोलेगा करेंगे, मैं झाड़ू करने के लिए बोल रहे करेंगे, साफ करने के लिए बोल रहे करेंगे, बोले नहीं मैं क्यों करूं, बस वही शुरू हो जाएगा। तो उनके अंदर प्रॉब्लमेटिक माइंड है ही नहीं है, ओनली टेक्निकल माइंड है, इसलिए दुख नहीं होता है, ये बताया, ये जानो। जो तुम प्रश्न पूछा था ना अर्जुन किम प्रभाषेत, वो मैं बता रहा हूं। अब है किमासीत, कैसे वो रहते हैं, अच्छा संसार उसको कहते हैं जो झंझावट आएगा, संसार उसको कहते हैं जो प्रॉब्लम होगा, संसार उसको कहते हैं जो परिस्थिति को कभी अनुकूल होगा कभी परिस्थिति प्रतिकूल होगी, वो कैसे व्यवहार करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं 58 ठीक है, 58 में एग्जांपल देके, ये कौन सा प्रश्न है किमाशीत। अब ये किमाशीत कैसे रहते हैं, संसार तो संसार को परिवर्तन नहीं करते हैं, एक है परिस्थिति और एक है अंतस्थिति और एक है स्वस्थिति, वो परिस्थिति को परिवर्तन नहीं करते, वो मनस्थिति या अंतस्थिति को जान करके परिवर्तन करते हैं, वो स्वस्थिति में रहते हैं।
वो टॉर्टेस का, वो जो कूर्म का केचुआ कछुआ उसका एग्जांपल देते हैं। यदा संघरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 59 भी पढ़ लेंगे, ठीक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यदा, यदा माने जब, जब से ही शब्द होता है, हमेशा नहीं होता है। जैसे कोई पूछेगा आप चिन्मय मिशन कब जाते हैं, ना जदा क्लास भवति। अच्छा, हमेशा नहीं जाते ना, जब जदा क्लास भवति तदा अहम गच्छामि। जदा, अभी समझ में आया, तो अर्थात जब प्रॉब्लम होता है, हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता है। संसार परिस्थिति हमेशा प्रॉब्लम नहीं देती। यदा, जब, या कूर्मः, कूर्मः अंगानी, कूर्मः कछुआ, अपने अंगों को। आप देखो कि बहुत लोग के घर में भी कछुआ रहता है, वो तो पानी टब में रहता है ना, और कहीं जाओगे तो देखोगे तो उसको पत्थर फेंकोगे तो वो अपना कर लेता है ना। तो कहीं ट्रैफिक में लिखा हुआ है, इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड हैड ए, वो सिर में रखते हो क्या बोलते हैं, हेलमेट, सो यू ऑल्सो वेयर नॉट फॉर माने फॉर अवॉइड द एक्सीडेंट। उसमें कछुआ का ये दिया गया, तो कछुआ का भी हेलमेट है कि नहीं, पत्थर कोई फेंकेगा तो कुछ नहीं होता है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। और कछुआ क्या करता है, वो अपने जो अंग को वो समेट लेता है, इसीलिए मंदिर में कछुआ रहता है। अब देखो हमारे मंदिर में, सिद्धवाड़ी में भी है, और ज्यादातर साउथ इंडिया के मंदिर में यही, ये सेंस कंट्रोल, सेंस मैनेजमेंट को दिखाने के लिए। पांच ज्ञानेंद्र में बता रहा था, स्ट्रेस में जो लास्ट बट एस वाला, सेंस मैनेजमेंट, सेंस कंट्रोल, सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल। तो ये पांच ज्ञानेंद्रिय, और कछुआ को कहा जाता है छह अंग है, तो पांच ज्ञानेंद्र और एक मन, वो मिलाने से छह हो जाता है। कछुआ का छह अंग होता है, छह पैर होता है। तो कछुआ जैसे जान लेता है कि बाहर से कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो तुरंत मन को कंट्रोल करता है। वैसे ही संत रहते हैं, जान लेते हैं कि परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, कंट्रोल कर लेते। यदा संघरते चायं इंद्रियभ्य इंद्रियाणि यदा संघरते तस्य प्रज्ञा। हाँ, जब ऐसे व्यवहार कर लेते हैं, उनके मन शांत रहता है, उनकी बुद्धि स्थित रहती है, उस समय जानना कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस समय उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है। अर्थात व्यवहार में भी ऐसे अपने मन को यदा यद आशित रखते हैं, बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, कंट्रोल तो कर लेते हैं साधारण व्यक्ति, मगर वो कुर्म का एग्जांपल दे दिया, निवृत्त कैसे रहना है, मगर साधारण व्यक्ति, साधक आप हम कंट्रोल कर लेते हैं साधक अवस्था में, मगर अंदर में वासना रह जाती है, विषय के अंदर जो वासना है, आसक्ति, वो रह जाती है। वो आसक्ति किस प्रकार की निवृत्ति होती है, तो कहते केवल परमात्मा का ज्ञान से निवृत्ति होती है, ऐसे नहीं होती है। विषय निराहारस्य देहिना, यहां पर भी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे
मनुष्य खान पान करता है, भोग करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, तो ऑटोमेटिक उसकी जो मन है कामना भोग में जाता है। इसीलिए तो ये सब कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कोई साधक बिल्कुल भोजन नहीं करेगा। अकबर ने भी ऐसे प्रयोग किया था, 30 बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को एक कमरे में रखा जिसमें मांस मदिरा जो अम्यूजमेंट उसको दिया, और एक 30 बच्चे को खान पान बहुत कंट्रोल करा के दिया। उपनिषद गंगा में भी यही है, एक कहानी है सत्वगुण रजगुण तमोगुण के बारे में, अंतरंग बहिरंग साधना के बारे में। क्या उसमें क्या किया उन्होंने, माने जो कहानी में मैंने दोनों तरफ से जा रहा, उसमें क्या है उपनिषद गंगा में कहानी में, एक राजरानी के घर में एक धाई काम करते थे। एक दिन उसका बेटा देखने के लिए आया, राजकुमारी को देख लिया, अगा कि मैं शादी करूंगा। अब दुखी हुई माँ, तो वो बातें रानी तक गई, रानी फिर कुमारी को कहा राजकुमारी को, राजकुमारी शायद चिन्मय मिशन में कोर्स किया होगा, उसको पता है। वो बोले चिंता नहीं, बुलाइया उसको। डर गए तो उसको बोले क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे करोगे, 2 महीना ठीक है, एक कमरे से बिल्कुल निकलना नहीं है, और मैं जितना भोजन दूंगी वही खाना है, और किसी से मिलना नहीं, ठीक, और मैं एक ब्राह्मण को भेजूंगी वो जो प्रवचन देंगे सुनना अच्छी। बस टोटल उसने कंट्रोल कर दिया। ये उपनिषद गंगा की कहानी है। तो 2 महीने के बाद उसके बाद राजकुमारी आई, बोले कि अभी शादी करोगे? क्या शादी कौन करेगा, किसको करेगा, आप कौन है? देखो उसमें ये बताया गया है कि मन को कंट्रोल करने का उपाय कैसा है। अकबर ने भी यही किया, 30 बच्चे को पूरा कंट्रोल करा दिया, भोजन सात्विक था। बाद में 2-3 महीना रखने के बाद उनको जब एक तस्वीर, स्त्री की तस्वीर रखते हैं, जो 30 बच्चे शराब आदि सब दिया वो टूट पड़ते हैं, उस तस्वीर को लेकर के उनके अंदर एक कामना वासना आती है, चुंबन देने के लिए, पकड़ने के लिए उनको उद्दीपना होता है। तब बीरबल ने कहा देखिए क्या प्रभाव है भोजन का, और इधर देखिए, तो उधर दिया उनके अंदर कुछ नहीं हुआ, छूने की भी भाव नहीं आए, क्यों, कंट्रोल है। तो कहते हैं निराहारस्य, क्या एग्जाम्पल देने के बाद मेन पॉइंट आओ, निराहारस मैंने भोजन बंद किया, आहार मैंने खाना, निराहारस मैंने भोजन बंद किया, जिसने भोजन बंद किया विषया विनिवर्तन्ते, उसके अंदर विषय दुख नहीं देगा, मगर किंतु रसवर्ज्यम, रस तो है अंदर, वासना तो है, जब तक रसवर्जम, जब तक वासना खत्म नहीं हुई है तब तक ये अंदर फिर निकले आई। देखो ना वो जो आजकल जो ये खिचड़ी हो या मटर हो या कुछ सब सब पैकेट में रहता है, ऐसे ही दिखा लोगे तो क्या है, इवन वो जो क्या है जो हम लोग खाते हैं मक्के दाना को क्या बोलते हैं, हाँ वो ऐसे लगता है कुछ है नहीं, फूल जैसा तो निकलेगा नहीं, तो मगर उसको और पहले से तेल सेटिंग है, थोड़ा गर्म डाल दो फिर वो क्या होगा, निकल जाएगा। कहाँ था वो, अंदर था, जैसे स्प्राउट है, स्प्राउट के बाद ही तो वो निकलता है, क्या स्प्राउट निकलता है, तो वो अंदर ही था, पानी बीज के अंदर, पानी प्रकाश और हवा सब मिलने पर वो निकल जाता है। ऐसे ही मन के अंदर जो वासना वो है, वो बाहर से कंट्रोल पर जितने तक कंट्रोल करोगे उतना रहेगा और फिर निकल जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, ये परमात्मा का दर्शन से ही, अस्य परम दृष्ट्वा, परमात्मा का दर्शन से ही असली वासना रसन
नष्ट होता है, निवर्तते, ये जान लो। तो जानबूझ के भगवान ने इसी बीच में ये बताना चाहा कि ये जो वासना है, ये जो कामना है, इतनी जल्दी जाती नहीं है, उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए और एक एग्जांपल देते हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति भी साधना करते हुए भी इतना इंद्रियां स्ट्रांग है, इंद्रियों के अंदर जो कामना स्ट्रांग है, वो मन को भी हरण कर लेता है। 60 यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेने हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं यततः, यतत माने जो साधना करता है, जो यति है, जो साधना करता है, यतत ही अपि है कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, विवेक पुरुष बार बार प्रयत्न करने पर भी, यततः बार बार प्रयत्न करने पर भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि, प्रमाथीनि प्रमथनशील है, जो माताल कर लेता है, इंद्रिय समूह विवेक को, मन को हरण कर लेता है। ये 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 लक्षण बताया, जैसे ज्ञानियों के सिम्टम्स बताया था ना, ये कामना के लक्षण बताया, मन के अंदर कामना इतना मनुष्य को हैरान कर देता है, ये बताया। जैसे गॉड वाइज वर्ल्ड वाइज बताया, दोनों ही है। तो साधना के दृष्टि से कभी भी ढीला नहीं रखना है। इसीलिए शास्त्र बहुत लोग पूछते हैं ना, स्वामी जी ये प्याज लहसुन साधु संत को क्यों नहीं खाना चाहिए, यही इसी कारण। अभी जो दो दो एग्जांपल मैंने बताया, उपनिषद गंगा का कहानी और अकबर के, साधक को बार बार कंट्रोल रखना चाहिए। भागवत में वर्णन है, कहते हैं पुरुष को तो मूर्ति के बने स्त्री भी नहीं रहना चाहिए पास में। कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव को उपदेश में, अवधूत उपदेश देते हैं जदु राजा को उस प्रसंग में, क्या कि साधक को, जो साधु है, उतना कंट्रोल रहना चाहिए, कोई स्त्री की मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए, उससे भी उसके मन में आसक्ति बढ़ जाएगा। ये दोनों, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, कहने का मतलब क्या है, मन के अंदर जो आसक्ति है, जो वासना है, इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसने इसे कंट्रोल कर लिया उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61 में यही बता रहे हैं। देखो वहां पर तीन साधना बता रहे हैं 61 में। 60 में क्या बताया कि मन के अंदर जो वासना है उसको ग्रांटेड फॉर मत लेना, सीरियस रहना, क्यों कब क्या मन फिसल जाता है, वो विवेकी व्यक्ति का भी फिसल जाता है। कहानी है, वेद व्यास जी के शिष्य जैमिनी इस श्लोक का जो वचन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो कि मीनिंग बढ़िया हो जाएगा। वेद व्यास के देखो मैंने जो लिखा है वो सोच समझ कर लिखा, नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया ना। अच्छा एक दिन क्या हुआ, जैमिनी ऋषि कहीं जंगल में लकड़ी आदि सब लेने के लिए जा रहे थे, शिव मंदिर था, और बारिश हो गई। जब बारिश हो गई तो सर कहाँ जाओ, शिव मंदिर के अंदर गए तो देखा एक सुंदर स्त्री है, और वो भी
बारिश में भीगी हुई है, तो कपड़ा भीगने के कारण शरीर स्पष्ट दिखाई देता है अंग, तो जैमिनी थोड़े आसक्त हो गए और कहा कि इधर आओ, बारिश हो गई, तुम थोड़ा नजदीक आओ। नहीं नहीं नहीं, वो स्त्री मना किया। आओ, वो उसके पास गए, वो स्त्री थोड़ा दूर गई, फिर उसके पकड़ने के लिए चाह जैमिनी, तो शिवलिंग है और वो राउंड राउंड करने लगी, आगे स्त्री है और पीछे जैमिनी है, तो देखा कि पकड़ नहीं पा रहे, शिवलिंग को पूरा लंप मार, लंप किया, जंप किया और पकड़ने लगा, जो पकड़ा देखा कि वेद व्यास जी है। बोलो वो श्लोक ठीक है कि नहीं है? तुमने उस स्त्री को पकड़ने के लिए शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ गए, तुम्हारे अंदर इतनी वासना है। गुरुदेव ठीक ही बोल रहे हैं आप, है ना? तो इसीलिए कभी भी बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो स्थित प्रज्ञ बन गया, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, कह नहीं सकते। तो साधना क्या है? इसलिए साधक को, जो साधक खाते हैं तो उनको बोलना चाहिए, आप लोग साधक है ना, तो आप प्याज लहसुन क्यों खाते हो? मना करना चाहिए, देना नहीं चाहिए, जानबूझ के हम गलती कर देते हैं उनको। कोई बड़े गुरु है खाते हैं, अब बोलोगे गुरुदेव तो खाते थे, तो उनके लिए हम कह नहीं सकते। महापुरुष के लिए, युग पुरुष के लिए कोई बंधन नहीं। निस्त्रिगुण्य पथि विचरतम को विधि को निषेधा, इसलिए कंपेयर साधक के लिए और युग पुरुष के लिए करना नहीं है। अब कहते हैं देखो साधना कैसे होना चाहिए, तीन स्टेप 61 में। तानि सर्वाणि संयम्य, सर्वाणि माने इंद्रियाणि, सब इंद्रियों को संयम करो एक इंद्रिय स्तर पर। युक्त आसीत, युक्त माने मन को जोड़ो, आसीत बताया ना कैसे वो रहते हैं, देखो आसीत शब्द इधर भी उत्तर में है, किम आसीत प्रश्न में था और यह उत्तर में है। युक्त माने मन को जोड़ो, तो इंद्रिय के स्तर पर कंट्रोल, मन के स्तर पर जोड़ो और बुद्धि के स्तर पर मत पर, अर्थात बुद्धि में ये भावना रखो भगवान ही श्रेष्ठ है। जीवन में लक्ष्य कौन है? भगवान। श्रेष्ठ कौन है? भगवान। आदर्श कौन है? भगवान। तो इंद्रिय मन बुद्धि ऐसे अगर रखोगे, बसे ही यस्येन्द्रियाणि, उसी का ही इंद्रिय कंट्रोल होगी और वो ही तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे अगर नहीं करोगे तो भगवान कह रहे, अभी दो श्लोक में पतन के सीढ़ी बता रहे, आठ स्टेप पतन के सीढ़ी, प्रसिद्ध दो श्लोक है ये वाला, प्रसिद्ध दो श्लोक है। अच्छा, ये जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वो खिचड़ी में क्या था? घी था, और ये जहर है। खिचड़ी में अगर जहर डाल दिया तो क्या होगा? ये दो श्लोक जहर है, ठीक है? अच्छा, शिलिया में लिख रही है जहर है, दो श्लोक है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधः भवति सम्मोहः, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। कामना इतने बड़े स्ट्रॉन्ग है, मनुष्य को कैसे नष्ट कर देता है, ये एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइज, ऑब्जेक्ट वाइज, अदरवाइज का लक्षण बता रहे हैं। पतन की सीढ़ी गुरुदेव बोलते हैं, द लैडर ऑफ फॉल, आठ स्टेप है। विवेक चुड़ावणी में शंकराचार्य भी वही कहते हैं,
एक बार बॉल केंदु का क्रीडा का अगर नीचे गिर गया, अगर सीढ़ी है बस और रोक नहीं सकते, वो नीचे ही गिर जाएगा। क्या क्या देखना, क्या उसका कंपोजिशन, उसका सिस्टम, उसका एक्सपेरिमेंट, उसका केमिस्ट्री, उसका जो लेडर ऑफ का जो प्रोसेस है कैसे होता है, क्या बताए? हाँ, सीक्वेंस। तो जिसका सीक्वेंस है, क्या पतन के सीक्वेंस है, ऊपर का सीक्वेंस नहीं है। 61 में क्या दिखा था, ऊपर का सीक्वेंस है। तानी सर्वाणी संयम, एक सेकंड युक्त आसीत मन का, थर्ड मत पर, ये तीन ऊपर का सीक्वेंस है, ये आठ नीचे का। ध्यायतो विषयान पुंसः, अर्थात फर्स्ट मन 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 में वो विषय के बारे में ध्यान आ जाता है, विषय के बारे में चिंतन आ जाता है। ध्यान यहां पर मेडिटेशन नहीं, ध्यान यहां पर चिंतन आ जाता है। कहते किस ख्याल में हो तुम, सुन नहीं रहे हो, किस ख्याल में, बस ख्याल, ख्याल पुलाव, ख्याली पुलाव, वो उसमें ध्यान चिंतन करता है। जब वो पहले चिंतन कर लेता क्या होता है, संगह आसक्त हो जाता है, पहले आसक्त होता है। आसक्त माने क्या, नहीं उसको मुझे प्राप्त करना, अटैचमेंट, उसके बिना नहीं रह सकता। संगह आसक्त, आसक्त के बाद क्या होता है, काम। काम माने क्या, पाने की इच्छा, उसको बोलते काम, भोग अभिलाष काम। आसक्ति होने पर ही भोग की इच्छा होगी, आसक्ति नहीं होगी तो भोग की इच्छा नहीं होगी, तीन हो गया। काम कामत क्रोध अभिजायते, ज्यादातर क्या होता है, काम फलीभूत नहीं होता है, काम पूर्ति नहीं होता है, वो क्रोध आ जाता है। काम पूर्ति हो जाता है तो लोभ हो जाता है, तो यहां वो क्रोध का डायरेक्शन बता रहे। क्रोधा भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह हो जाता है। सम्मोह माने डेल्यूजन, जब एक बार क्रोध मनुष्य गुस्सा हो जाता है ना, तो उसका मोह हो जाता है, वो समझ में नहीं आता क्या करना। सम्मोह स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाती है। शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं उसमें कि इतना स्मृति विभ्रम हो जाता है, आगे स्मृति वंशत बुद्धि नाश, सात नंबर, कि अपने गुरु को पिता को भी क्रुध्यति, गुरु को पिता को भी गाली देता है और अपमान करता है, धर्म को, इतिहास को, भारत को, देश को, सब कुछ। इसलिए कभी कभी ये ऐसे उठपटंग क्यों आंसर देते हैं, तो जानना बुद्धिनाश, जानना स्मृति विभ्रम, और बुद्धिनाश प्रणश्यति, बस प्रणश्यति नष्ट हो गया, पशु के साथ समान हो गया। ये है आठ पतन की सीढ़ी है। 15 चैप्टर ना उत्थान की सीढ़ी बताया, निर्माण मोहाजित संग दोष आदि। तो आगे के जो श्लोक में क्या बता रहे हैं हम लोग कल देखेंगे। अभी